बात बिहार के सियासी कुवारों की हो तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव की चर्चा जरूर होती है। एक दौर था जब बतौर उप मुख्यमंत्री रहते उनके पास लड़कियों के प्रपोजल की लाइन लग गई थी। तेजस्वी ने अपनी शादी और पसंद की लड़की को लेकर भी बात की है। तेजस्वी पहले भी शादी को लेकर चर्चाओं में आए हैं, हालांकि गुस्से या मजाक में ही सही कुछ महीने पहले माँ राबड़ी देवी ने जो शर्त रखी थी उसे देखते हुए नहीं लगता कि वो शादी फिलहाल होने जा रही है। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि शादी तो ज़रूर करनी है, इसके लिए कैसी लड़की चाहिए। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि माता पिता तय करेंगे लड़की राजनीतिक परिवार से होगी या गैर राजनीतिक, उन्होंने ये भी माता पिता पर ही छोड़ दिया। तेजस्वी ने शादी ज़रूर करने की बात तो कही लेकिन अन्य सवालों के गोल गोल जवाब दिए। जी हाँ, आपको बता दें कि तेजस्वी ने भले ही अभी गोल गोल जवाब दिए लेकिन इस बाबत पहले वे बहुत कुछ कह चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें बीते लोकसभा चुनाव के पहले सितंबर 2018 में उन्होंने बताया था कि उनके लिए शादी के प्रस्ताव तब से आ रहे हैं जब वे आईपीएल खेलते थे। एक बार तो बीपी मंडल के जयंती समारोह के मंच पर कोई व्यक्ति किसी लड़की की तस्वीर के साथ बायोडाटा थमा गया था। तेजस्वी ने यह भी कहा था कि लोकसभा चुनाव के बाद शादी कर लेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बिहार में महागठबंधन की सरकार के दौरान तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे, तब भी उनकी शादी की चर्चा जोर पकड़ती दिखी थी। इस दौरान उनके पास विवाह प्रस्ताव की लाइन लग गई थी। सरकारी वेबसाइट पर लड़कियों के विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। खैर, बात बेटे की शादी की हो रही है तो माँ की शर्त भी जान लीजिए। गुस्से या मजाक में ही सही, बीते जनवरी में तेजस्वी यादव की शादी की चर्चाओं पर मीडिया से बातचीत में माँ राबड़ी देवी ने कहा था कि पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे की शादी करें, चिराग पासवान भी शादी करे, फिर वे तेजस्वी की शादी के बारे में सोचेंगे। अगर राबड़ी देवी अपनी शर्त को लेकर गंभीर हैं तो फिलहाल तो तेजस्वी की शादी होती नहीं दिख रही है। तो आपको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टाइम भोजपुरी सुरभि की रिपोर्ट।